सबसे पहली लिखी कहानी रानी केक जी की कहानी, रानी केक जी की कहानी, रानी केक जी की कहानी, रानी केक जी की कहानी। बस पक्की एक सखी थी, मदन बान था नाम सखी का, संग सदा रहती थी। एक दूसरे देश में भी एक राजकुमार था प्यारा, नाम था जिसका उदय भान था, सुंदर वीर वो न्यारा। माधव एक मस्कर जैसा मित्र था उसका प्यारा, उदय भान से मिली केतकी, मिलन बड़ा था न्यारा। एक दूजे के होने की दोनों ने मन में ठानी रे। आप सुनो हिंदी की सबसे पहली लिखी कहानी, पुरानी केक की 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 कहानी। महाराज की जय हो, महारानी की जय हो। केतकी का पता चला? हाँ महाराज। अरे कहाँ है हमारी बेटी, आई क्यों नहीं वो साथ में? मैंने कहा तो था पर वे नहीं आई, उन्हें आपसे मिलने में शर्म आ रही है। माँ बाप से मिलने में शर्म कैसी? आपको पता नहीं, वो हमेशा उदयभान के ही ध्यान में रहती है। उन्हें लगता है उदयभान इसी जंगल में होंगे, वे वहाँ से लौटना नहीं चाहती। केतकी ये क्या हो गया तुम्हें, अब क्या करें? इस तरह तो हमारी बेटी पागल हो जाएगी। अगर आप किसी तरह राजकुमारी और राजकुमार उदयभान का मिलन करा दे तो राजकुमार का जीवन लौट आएगा। ये कैसे संभव है? अब मैं अपने मुंह से कैसे कहूँ? मैंने तो गुरुजी से कहकर उन्हें सजा दिलवाई थी। कुछ तो करना पड़ेगा महाराज, हमने अपनी औलाद की खातिर तो राजपाट छोड़ा था। आप महेंद्र गिरी जी से प्रार्थना क्यों नहीं करते हैं? आगे जो होगा देखा जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो तो ये भी करके देख लेते हैं। ओम नमो नारायण। निरंजन, महादेव तुम्हारा कल्याण करें। कहो जगत प्रकाश, हमें क्यों याद किया है? और तुम यहां क्या कर रहे हो? हमने तो तुम्हें राज्य करने और प्रजा की सेवा करने का आदेश दिया था। आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, हम पे एक विपदा आन पड़ी है, इसलिए हम रानी समेत इस जंगल में आन पड़े हैं। ऐसी क्या विपदा आन पड़ी? महाराज, हमारी लाडली राजकुमारी ने आपकी दी हुई भभूत लगाई और जंगल में अपने प्रेमी उदयभान को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए महाराज, थक हार कर हमने राजपाट छोड़ दिया। सोचा जब बेटी नहीं तो राज करके क्या करेंगे। तुम्हारी तो बुद्धि मारी गई जगत प्रकाश, तुमने उसी समय हमें क्यों नहीं याद किया? क्षमा करें गुरुदेव, आपको छोटी छोटी सी बात पर कष्ट देना मुझे अच्छा नहीं लगा। बोलो अब क्या करना है? केतकी को वापस बुलाने के लिए ही मैं आपके श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि सूरज भान, उदय भान और लक्ष्मी बास को वापस बुला लीजिए। ये अच्छा तो नहीं लगता, पर केतकी के लिए ये करना ही पड़ेगा। तुम जाओ अपना राजपाट संभालो, आज से उदय भान को हम अपना बेटा बनाते हैं, हम स्वयं उसकी बारात लेकर आएंगे। चलो अब केतकी के पास चलते हैं। अलख निरंजन। अलख निरंजन। माँ केतकी,
इधर आओ बेटे, आओ। सौभाग्यवती भाव, बहुत थक गई हो ना। नमो नारायण, नमो नारायण। लो, मेरी ओर से कुंवर उदय भान का शगुन है ये। लो बेटे, आज से कुंवर भान को हमने अपना पुत्र बना लिया है। जाओ और खुशियां मनाओ। हम स्वयं कुंवर उदय भान को ढूंढ कर लाते हैं। अलख निरंजन। गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। नमो नारायण। क्या हुआ बाबुलगिरी? कुछ पता नहीं चला उन तीनों का। गुरुदेव, मैंने पहाड़ियां, गुफाएं, दर्रे, घाटियां, नदी नाले सब जगह छान मारी, परंतु उन तीनों का कहीं कोई पता नहीं लगा। वो तीनों पत्थर के बन चुके थे, फिर क्या धरती निकल गई या आसमान खा गया? कोई उन पत्थरों को उठाकर तो नहीं ले गया? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। गुरुदेव, कहीं कोई मूर्ति गढ़ने वाला कारीगर तो उन्हें उठाकर नहीं ले गया? उसे क्या मालूम कि ये पत्थर राजा सूरजभान, रानी लक्ष्मीबास और राजकुमार उदयभान है। हमने उन तीनों पत्थरों को ऐसी शक्ति दी है कि वो किसी भी आपत्ति में अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं। गुरुदेव, आपने तो उदयभान को अपना बेटा माना है, शीघ्र ही कोई उपाय करना होगा। अगर आप अपना वचन पूरा ना कर पाए तो गुरु गोरख आपकी सारी शक्ति नष्ट कर देंगे। ये तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। अब बस एक ही उपाय है। वो क्या गुरुदेव? क्या गुरु गोरख को ही बुलाना पड़ेगा? नहीं, इतने से काम के लिए गोरखनाथ को बुलाने की आवश्यकता नहीं। हमारा काम महाराज इंद्र से ही चल जाएगा। तुम दोनों में से कौन जाएगा? हम आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हैं गुरुदेव। ठीक है बाबुलगिरी, तुम हमारा संदेश लेकर महाराज इंद्र के पास जाओ। महाराज इंद्र तुम्हें पहले से ही जानते हैं। हाँ, हमारा संदेश सुनाने के पहले हमारा प्रणाम कहना ना भूलना। जो आज्ञा गुरुदेव। अलख निरंजन। राजा इंद्र हमारे गुरुदेव महेंद्र गिरी का प्रणाम स्वीकार करें। हे देव, गुरुदेव ने कहा है कि आज उन पर एक विपत्ति आन पड़ी है। उन्होंने अपने ही किए के विरुद्ध एक वचन दे दिया है और उसे पूरा करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता है। गुरुदेव ने राजा जगत प्रकाश की खातिर राजा सूरजभान, रानी लक्ष्मीबास और राजकुमार उदयभान को पत्थर का बना दिया है और अब उन तीनों पत्थरों को ढूंढने के लिए वन वन भटक रहे हैं, क्योंकि अब राजकुमार उदयभान को वो अपना पुत्र मान चुके हैं और उधर राजकुमार के ससुराल में ब्याह की तैयारियां हो रही हैं। इसलिए हे देव, आपसे प्रार्थना है कि आप शीघ्र पहुंचकर गुरुदेव को इस संकट से उबारें और उन तीनों पत्थरों को ढूंढने में गुरुदेव की मदद करें। बाबुलगिरी, जाओ अपने गुरुदेव से कह देना हम शीघ्र ही उनकी मदद के लिए आ रहे हैं। धन्य हो देव। नमो नारायण। नमो नारायण। कभी कभी हम अपने हाथों अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं और फिर पछताते रह जाते हैं। लेकिन गुरुदेव, मामला बच्चों का है, वरना आप जैसे तपस्वी ऐसा कभी नहीं करते। इसीलिए तो हमने अपनी ही शक्ति के विरुद्ध महाराज इंद्र को बुला भेजा है। लो,
बाबुलगिरी आ गए। नमो नारायण। गुरुदेव के श्री चरणों में शत शत प्रणाम। नमो नारायण। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज इंद्र ने आपकी प्रार्थना स्वीकार कर ली है और कहा है तुम चलो हम अभी आते हैं। तब तो बात बन गई। हम भी यही चाहते हैं कि राजकुमार उदयभान और उसके माता पिता का शीघ्र पता लग जाए ताकि हम अपना वचन पूरा कर सकें। महाराज इंद्र ने यह भी कहा है गुरुदेव कि आप जिस जंगल में विराजमान हैं उसकी ठीक ठीक जांच कर लें और ये निश्चित कर लें कि वे तीनों पत्थर इसी जंगल में हैं। ये तो निश्चित है कि वो तीनों इसी जंगल में हैं, लेकिन कठिनाई ये है कि हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो हमने महाराज इंद्र को बुला भेजा है। महाराज इंद्र के आते ही हमारी कठिनाई क्षण भर में दूर हो जाएगी। हाँ हम भी ऐसा ही सोचते हैं। अलक्ष्मीरंजन देव महेंद्र गिरी का प्रणाम स्वीकृत करें। खुश रहो महादेव तुम्हारा कल्याण करें। देव अब आप आ गए हैं तो मेरी सारी चिंताएं दूर हो गईं। मैं अपने ही जाल में फंस गया था। ऐसा भी होता है। बच्चों का मन रखने के लिए ही मैंने ये स्वीकार किया था कि उदयभान और केतकी का विवाह कराऊंगा, किंतु यह प्रकरण मुझे बहुत कठिन पड़ गया। देव क्षमा करें आपको कष्ट देना पड़ा। अब बताओ करना क्या है? मेरी व्यथा तो आपको मालूम ही है देव। अब कुछ ऐसा सुझाइए जिससे सूरजभान और रानी लक्ष्मी बास को उनका राज्य वापस मिल जाए और उदयभान और केतकी का विवाह संपन्न हो जाए। तब तुम्हारी समस्या का समाधान हुआ ही समझो। सो कैसे? देव आप मेरी परीक्षा ले रहे हैं? नहीं महेंद्र, उपाय तो तुम्हारे मस्तिष्क में पहले से ही पड़ा हुआ है। मेरे मस्तिष्क? देव की जय हो। चलें देव। चलो। आपके प्रताप से कुंवर उदयभान, महाराज सूरजभान और महारानी लक्ष्मीबास फिर से अपने रूप में प्रकट हो गए हैं। मैं महाराज सूरजभान से क्षमा मांगना चाहता हूँ। क्षमा किस बात की महाराज? मेरे ही कारण आपको राजन अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा है। क्षमा तो मुझे मांगनी चाहिए महाराज। ये जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। यदि मैं अपनी व्यथा न बताता तो ये कुछ भी न होता। भगवान जो कुछ करता है सब हमारे भले के लिए ही करता है। उदयभान शायद तुम्हें ये नहीं मालूम कि महाराज महेंद्र गिरी ने तुम्हें अपना बेटा माना है और राजकुमारी केतकी के साथ तुम्हारी सगाई तय कराए हैं। ये कैसी विडंबना है महाराज? आप हमें सजा भी देते हैं और हमारे बच्चे का ख्याल भी रखते हैं। महेंद्र के साथ हमेशा यही होता है। इसे भरपूर क्रोध आएगा फिर अपार नहीं। बच्चों का दुख से देखा नहीं गया इसलिए इसने बच्चों का ब्याह करने का निश्चय कर लिया। तब से ही आपकी खोज हो रही है। आप महात्माओं का मैं जीवन भर ऋणी रहूंगा। अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाएंगे कहाँ? आपका सारा राज तो धरती में समा चुका है। हमको साथ चलना होगा। यह सब महेंद्र के क्रोध का परिणाम। क्षमा करें महाराज, किंतु मेरे पास आपका दिया हुआ अभिमंत्रित जल है जिसकी एक बूंद से ही महाराज सूरजभान का खोया हुआ राज्य उन्हें वापस मिल जाएगा। किंतु हमें वहां जाना पड़ेगा महाराज। गुरुदेव उस सेना का क्या होगा जिसे आपने मिट्टी का ढेर बना दिया है? बाबुलगिरी तुम्हें वो स्थान मालूम है जहाँ महाराजा सूरजभान की फौज धरती में धसी हुई है? जी हाँ महाराज। तो ठीक है उस स्थान पर जाकर इस जल का छिड़काव करो। जो आ गया महाराज। चलो सूरजभान तुम्हारे राज के
जय तो केवल महाराज इंद्र की और महाराज महेंद्रगिरि की बोलो। इन्हीं की कृपा से आज मैं आपके समक्ष हूँ। प्रभु इंद्रदेव की जय, महाराज महेंद्रगिरि की जय। महाराज अब आप विश्राम कीजिए, आपके विश्राम का प्रबंध हो गया है। नहीं राजा, अब हम चलेंगे। महाराज आपसे विनती है कि आप बच्चों के विवाह में अवश्य उपस्थित हों। आप तो जानते हैं मैंने उदयभान को अपना बेटा माना है और अब इसके विवाह की जिम्मेदारी मेरी ही है। गुरु महाराज आपने क्यों कष्ट किया, मैंने तो महाराज जगत प्रकाश के पास सगुन भी भेजा था। जानता हूँ सूरज भान, जानता हूँ, पर पता नहीं क्यों जगत प्रकाश की मति मारी गई थी और फिर तुमने भी तो धीरज खो दिया था, सेना लेकर चढ़ाई कर बैठे। बुद्धि तो तुम्हारी भी फिर गई थी महेंद्र। अब आपकी कृपा से सब ठीक हो गया है महाराज। हम अपने बेटे उदयभान की बारात लेकर स्वयं जाएंगे। महाराज जगत प्रकाश जी के क्या हाल हैं? जगत प्रकाश और कामलता ने अपना राज्य संभाल लिया है और केतकी के विवाह की तैयारियों में लगे हैं। क्यों तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं? मुझे क्या ऐतराज होगा, मैं तो यही चाहता था जहां बच्चों की खुशी वहां हमारी खुशी। कुंवर उदयभान मेरे बेटे तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तुम्हारी क्या इच्छा है? बुजुर्गों की आज्ञा का पालन करने में ही मैं अपना भला समझता हूँ महाराज। कुंवर बहुत चालाक है, इच्छा इनकी पूरी हो रही है और पालन हमारे आदेशों का कर रहा है। चलो इसे अकल तो आई। अरे ये तो शर्मा गया। आपकी कृपा है महाराज, इनका विवाह हो गया तो बच्चों का दिल रह जाएगा। हाँ राजन, महाराज इंद्र विवाह में बच्चों को आपका आशीर्वाद अवश्य मिलना चाहिए। आऊंगा, अवश्य आऊंगा। महादेव तुम सबका कल्याण करें। अलख निरंजन। श्री श्री 1008 श्री उदयभान जी महाराज की जय हो। अरे माधव तुम कहाँ हो भाई, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये बात तो आप मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, मैं जानता हूँ आप किसका इंतजार कर रहे हैं। मुझे अपार खुशी है, मेरे महाराज की मन की मुराद पूरी हो रही है। अब तो एक एक पल पहाड़ सा लगता है। लगेगा क्यों नहीं, मैं जान सकता हूँ आपकी दिल की हालत। गुरु महेंद्रगिरि का आभार मानना चाहिए कि उनकी कृपा से ये सब संभव हुआ। ऐसी बात नहीं है, गुरुजी कह रहे थे वो तो केतकी के हट के आगे झुक गए। सच, ये उसकी करामात है, आखिर तो उसे मेरी रानी होना ही था। अरे आपने तो हथियार ही डाल दिए थे। मुझे उस पर गर्व है। गर्व क्यों नहीं हो, महेंद्रगिरि ने आपको अपना बेटा जो बना लिया है। सब ईश्वर की कृपा है। मैं तो कहूंगा ईश्वर की नहीं उस देवी की कृपा है। तुम ठीक कहते हो, हमारे मामले में तो तीनों हट काम कर गए। तीनों हट ये क्या होते हैं? अरे इतना भी नहीं मालूम, कहते हैं ना राजहट बालहट तिरियाहट। अच्छा इन हटों की बात कर रहे हैं आप, जरा बताइए तो तीनों हट कैसे काम आ गए? अब देखो ना, मेरा हट राज खुलवा गया, पिताजी का हट युद्ध करवा गया और केतकी के हट ने हम सबको मिला दिया। ये तो बड़ी अनोखी बात हो गई, पर मेरी पूछे तो ये तिरिया हट ही था जो आपको ये दिन देखने को मिला। कुछ भी हो माधव, मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरा रोम रोम केतकी को याद कर रहा है। अब इंतजार के दिन खत्म हो गए कुंवर जी, अगले सप्ताह आपकी शादी तय हो गई है। तिथि तय हो गई? मैं यही बताने तो आया था पर आपने बातों में उलझा दिया। अगले सप्ताह अक्षय तृतीया का मुहूर्त निकला है। आदरणीय गुरु महाराज महेंद्रगिरि जी और मंत्रीगण, आज इस आनंद और हर्षोल्लास के शुभ अवसर पर मैं अपने राज्य की जनता के नाम कुछ रियायतों की घोषणा करना चाहता हूं।
जैसा कि आप सब जानते हैं, गुरु महाराज महेंद्र गिरी जी की अपार कृपा से हमारे और राजा जगत प्रकाश के बीच जो भी संघर्ष था अब पूरी तरह से समाप्त हो गया है और साथ ही हम दोनों राजा अब समधी हो गए हैं। गुरु महाराज महेंद्र गिरी जी ने राजकुमार उदय को अपना पुत्र स्वीकारा है और अपने उदय का विवाह महाराजा जगत प्रकाश की पुत्री राजकुमारी केतकी के साथ तय किया है। मैं और मेरे राज्य की समस्त प्रजा गुरु महाराज महेंद्र गिरी जी के आजीवन ऋणी रहेंगे। गुरु महाराज महेंद्र गिरी जी की जय। गुरु महाराज महेंद्र गिरी जी की जय। अब मैं अपने महामंत्री से कहूंगा कि वो हमारे द्वारा दी गई राज्य की जनता के नाम रियायतों की घोषणा करें। गुरु महाराज की जय हो। महाराजा सूरजभान की जय हो। महाराजा सूरजभान ने कुंवर उदयभान के विवाह के शुभ अवसर पर जनता को जो रियायतें दी हैं वो इस प्रकार हैं। सारे कैदियों को छोड़ दिया जाए। राज्य की सारी कुंवारी लड़कियों के विवाह की जिम्मेदारी राज्य की होगी। वे अपनी अपनी पसंद के लड़कों से शादी कर सकती हैं। महाराजा सूरजभान की जय। जब तक कुंवारी लड़कियों की शादियां नहीं हो जाती उनके पालन पोषण और शिक्षा का सारा खर्च राज्य की ओर से वहन किया जाएगा। इस साल की फसल पर कोई लगान नहीं लिया जाएगा। महाराजा सूरजभान की जय। हमारे और पड़ोसी राज्य के बीच की सीमा खोल दी गई है। अब हर नागरिक बिना राज आज्ञा के इधर से उधर आ जा सकता है। और ये आखिरी रियायत और हिदायत महारानी लक्ष्मीबास जी की तरफ से है। राज्य भर में यह ऐलान किया जाता है कि नौजवान लड़के लड़कियों को अपने माता पिता और राज्य की मान्यताओं और मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए दूल्हा दुल्हन चुनने का अधिकार है। इस मामले में जबरदस्ती करने का दंड मृत्यु होगा। माता पिताओं को ये बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। महारानी लक्ष्मीबास की जय। गुरु महाराज महेंद्र गिरी की जय। इस राज्य के राजा के रूप में हम राज्य की सारी जनता को युवराज उदयभान के विवाह पर आमंत्रित करते हैं। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो राजन। नमो नारायण नमो नारायण नमो। यही सुनाती थी हमको बचपन में प्यारी मामी ने। आज सुनो जिंदगी की सबसे पहली लिखी कहानी पुरानी केतकी की कहानी। 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 पुरानी केतकी की कहानी।